मेरा बजट लिमिटेड था, इंडियन मेरे में ज्यादा खर्चा हो गया। तो मैं आई बस कुछ शॉपिंग। जब भी कोई लड़की ना ऐसे पानी पीती है ना तान्या आ करके, तो मुझे ना गीत याद आती है उसकी, ट्रेन जब छूटती है। सारा दिन लाता नींदू सजने सजाउंदे सूरज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आई हूँ, वैसे तो आपको पता चल गया होगा, थोड़ा सा अगर कैमरा तान्या घुमा सकती है तो तू दिखा। यस, इट इज सरोजनी नगर। मैं आई सरोजनी नगर में और काफ़ी टाइम बाद शॉपिंग करने, क्योंकि थोड़ा मेरा बजट लिमिटेड था, इंडियन मेरे में ज़्यादा खर्चा हो गया, तो मैं आई बस कुछ शॉपिंग करने के लिए, बहुत ही उम्मीदों से, होप के साथ। यस, और मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बनाऊँ, और अगर कलेक्शन अच्छा है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आना, बस कंफर्टेबल होके आइए जैसे मैं आई हूँ। यस 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 यस, चलो दोस्तों साथ में शॉपिंग करने चलें। यार वैसे ना आज मौसम भी ठीक ठाक ही है, हमारे साथ सही हो गया, ऊपर से जा रहा है प्लेन। 200 रुपये में? 200 महंगी नहीं है, ब्रांडेड है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं ओवरसाइज टी शर्ट्स में, और सारी ही बड़ी क्लासी लग रही है मुझे। मुझे लगता है ना लड़कियां शर्ट्स को बहुत ही अच्छे से स्टाइल कर सकती हैं, और इधर तो 50 रुपए में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। आप ओवर शर्ट की तरह भी पहन सकते हैं इसको। इयररिंग्स देख रही है तान्या। मुझे ना वैसे वाले हुप्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मतलब छोटे वाले चाहिए, बालियां टाइप वो चाहिए। मिल जाएंगे इधर तो है बहुत ऑप्शंस, 30 रुपए से स्टार्ट से ऑप्शन मिलने के चांसेस है। ले ले, अच्छा लग रहा है। ये पर्सेस हैं छोटा चिल्ड्रन रखने के लिए, देख रहे हैं कुछ। हाँ जी, तो फिर क्या प्लान है और लेने का? पर्स लेना था मुझको, 100 रुपए का दे रहा है, 50 का दे दो तो मैं ले लेती हूँ। 100 रुपए का ले ले यार, क्या हो गया फिर? नहीं नहीं, 50 से ऊपर ले लूंगी पर्स, इतने पैसे तो हो डालने के लिए कि 100 का पर्स लूँ मैं। ओहो, उस हिसाब से तो चिल्लड वाला कुछ देख। अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या लेना है यार, कुछ भूख भी लग रही है, खाएं क्या? दोस्तों अब हम लेंगे पानी। यार जब भी कोई लड़की ना ऐसे पानी पीती है ना तान्या आ करके, तो मुझे ना गीत याद आती है उसकी, ट्रेन जब छूटती है। यार सरोजनी में जॉगर्स और पैंट्स में भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो भी इतने सस्ते में, वाओ, और मात्र 200 रुपए में। फेस्टिव सीजन आ रहा है तो इंडियन वेयर पहनेंगी लड़कियां, तो उसके लिए आप ज्वेलरी ना सरोजनी नगर से ले सकती। एक ही पलाजो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वैसे तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं ये पलाजोज, बट ये पलाजो ना प्लीटेड प्लाजो था, मतलब इसे मैं चाहूँ तो क्रॉप टॉप के साथ भी स्टाइल कर सकती हूँ, और इंडियन वेयर में भी जैसे कुर्ती के नीचे भी आराम से पहन सकती हूँ। 350 के जॉगर्स हैं लैवेंडर कलर की, जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। यार मैं ना काफी टाइम बाद आई हूँ सरोजनी नगर शॉपिंग करने के लिए। पहले मैं बहुत आती थी, मेरा कॉलेज भी आसपास ही पड़ता था तो मैं बहुत आती थी, बट अभी मैं काफी टाइम बाद आई, क्योंकि एक दो बार मैं जब आई थी ना मुझे ना सामान कुछ मिला नहीं था खास, बट दिस टाइम आई मस्ट टेल यू बहुत अमेजिंग, मतलब मुझे अच्छे से इजिली सामान मिला, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टाइम पे भी डिपेंड करते हैं ना तान्या, जब हम जल्दी आ गए ना शायद, हाँ, इसलिए हमें अच्छा खासा सामान और ठीक ठाक रेट पे मिल गया है। हाँ, अगर आप शाम में आओ ना तो सब कुछ निकल चुका होता है, इस टाइम पे सब कुछ सामान मिल जाता है और इतनी भीड़ भी नहीं होती। हाँ, मतलब साइज, कपड़ा, क्वालिटी सब बहुत अच्छा है, मतलब सारे बढ़िया बढ़िया कपड़े लिए हैं मैंने। तो क्या फोन में लगी पड़ी है? यार मैं स्टोरी बना रही हूँ इंस्टा के लिए, मतलब उधर तो मैं एकदम उसी टाइम डाल देती हूँ। यस, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने अपना यूजर नेम दे दिया स्क्रीन पे, प्लीज़ जाके चेक कीजिए, अमेजिंग स्टोरीज। देखो मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ, चलो फिर। तो
अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेके आए। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, इस बार ना मुझे बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन मिला है। मतलब मैं अब दोबारा से सरोजनी की नगर से प्यार करने लगी हूँ। बीच में थोड़ा सा मुझे ऐसा हो गया था यार कुछ मिलता तो है नहीं, अब क्या फायदा जाने का, बट यस मुझे बहुत ही अमेजिंग चीजें मिली जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक चीज मैंने ली वहां पे, वो है ये ब्लेजर। मैंने ना एक लुक बनाया था आलिया भट्ट का, मतलब 500 में ही मेरा पूरा लुक बन गया। अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। बड़ा ही अमेजिंग आउटफिट टर्न होके आया है, आप देख सकते हैं। हाँ तो मैं बता रही थी कि मैंने ये ब्लेजर लिया, बड़ा ही ढूंढा मैंने इसे, बट यस मुझे बड़ा फायदा हो गया टाइम लगा के ढूंढने का, क्योंकि मुझे ना आई थिंक ये रियल H&M का ही है। इस पे टैग भी लगा हुआ है H&M और 40 साइज का, वैसे मैं 38 साइज पहनती हूँ, बट यस ये मुझे मिल गया। ऐसा है, मैंने H&M की ना वीडियो में भी आपको दिखाया हुआ है, एक ब्लेजर मैंने लिया था, वो मैंने कुछ सेल पे लिया था, वो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा था। ये मुझे 200 का पड़ा एंड वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे लॉन्ग है और उसके बटन्स भी ब्लैक नहीं है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मैंने लिया, मुझे बड़ा अमेजिंग लगा। ये थोड़ा टाइट फिटेड है एंड वो थोड़ा सा लूज है, तो थोड़ा तो अलग है ही, तो मैं इसे अच्छे से स्टाइल करूंगी और विंटर्स में पहनूंगी। बहुत अमेजिंग चीज लगी मुझे ये, मुझे सिर्फ 200 रुपए का पड़ा। ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा ही प्राइस बोला था, बट मुझे लगता है 200 का मुझे बहुत ही अमेजिंग फिटिंग का ब्लेजर मिल गया। नेक्स्ट मैंने ली, मुझे ना कॉर्डरॉय पैटर्न या फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब उसी में ही शर्ट्स पैंट्स जीन्स सब अच्छी लगती है, तो ऐसे ही कुछ सॉर्ट ऑफ जॉगर्स मुझे दिखे जो मुझे बहुत अमेजिंग लगे। इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा और ये पैटर्न मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये मेरे ही साइज में था, आई थिंक ये भी शायद ब्रांडेड है, और मुझे लगता है मैंने ना सारी ब्रांडेड शॉपिंग ही कर ली वहां पे जाके, वो भी इतने रीजनेबल नहीं चीप प्राइस में बोलूंगी मैं। यस ये मैंने लिया एक, उन्होंने बोला तो ये आप वन साइज है सबको आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, ये मेरे साइज का ही था। बहुत ही अच्छा लगा, उनके पास एक ही साइज अवेलेबल था, काफी अच्छा कलर भी मिल गया। और आपको मतलब मुझे ये होता है जीन्स और पैंट्स मुझे मिल जाए ना अगर सरोजनी से, तो मुझे बहुत ही अमेजिंग डील लगती है। ये देखा जाए तो ये जॉगर सॉर्ट ऑफ है, साथ में इसके पॉकेट्स भी हैं, तो ये फैब्रिक भी, इसमें कलर ऑप्शंस भी थे। और अगर आपको ओवर साइज टी शर्ट्स चाहिए ना, तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। मैंने 2 टी शर्ट्स ली वहां से, और वो भी मतलब ऐसे नीचे भैया लगा के बैठे हुए थे, पर वो बल रहे थे ब्रांडेड टी शर्ट्स है, तो वो 200 की थी, 200 का ही फिक्स प्राइस था, पर मुझे ना ये था कि चल यार ब्रांडेड है क्वालिटी अच्छी होगी तो मैं 200 ले लूंगी, अदरवाइज आपको 100 तक की भी मिल जाएगी। ये मैंने 2 टी शर्ट्स ली, एक मैंने ये टी शर्ट ली, ये मुझे बड़ी अमेजिंग एंड डिफरेंट लगी। आई थिंक ये मतलब बॉयज के सेक्शन से हो सकती है क्योंकि वैसे ही पैटर्न लगा, बट ये मैं सोच रही हूँ मैं इसे शॉर्ट्स के साथ पहनूंगी। एंड दूसरी जो मैंने शर्ट ली वो भी ये पिंक कलर का जो इस पे कार्टून बना हुआ है ना, ये मुझे बहुत अमेजिंग लगा। और शर्ट काफी ज्यादा लॉन्ग है, इसे तो मैंने पहन भी लिया है एक बार, मतलब अगले दिन ही मैंने इसे धो के आराम से पहन लिया था। मेरे को आजकल बड़ा अच्छा लगता है मतलब ये शॉर्ट्स और ओवर साइज टी शर्ट्स का लुक, तो मैंने ये 2 टी शर्ट्स ली। एक ही शर्ट मैंने ली, मतलब ये मैंने लिया ब्लैक ड्रेस पे पहनने के लिए या व्हाइट ड्रेस पे, मतलब ऐसे ओवर शर्ट पहनने के लिए ये शर्ट ली। एंड कैन यू गेस द प्राइस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है बाय द वे इसकी, और आप इसका प्राइस भी गेस नहीं कर पाओगे, सिर्फ मात्र 50 रुपए की मैंने ये ली। बहुत सारे शर्ट्स में ना ऑप्शंस थे उसके, उनके पास मतलब चेक में भी ऑप्शन थे, बट मुझे ना सॉलिड कलर में चाहिए था, मतलब एक ही कलर में जो मैं ओवर शर्ट की तरह पहन पाऊं, तो ये फिटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी एंड ये मैंने सिर्फ 50 रुपए की ली। वहां से मैंने सॉक्स भी ली, वैसे तो मुझे ना व्हाइट कलर चाहिए था और ये 100 की 3 है, बट व्हाइट कलर उनके पास था नहीं, तो मैंने ये थोड़ा लाइट शेड में ये सॉक्स ले ली शूज के साथ पहनने के लिए। अब थोड़ा वेडिंग सीजन एंड फेस्टिव सीजन आएगा, तो उसके लिए ना मुझे थोड़ी ज्वेलरी भी चाहिए थी, मैंने थोड़ी सी उस तरह से ज्वेलरी ली और आउटफिट में भी मुझे यूज करनी थी, तो मैंने एक ये वाला, मुझे आजकल ये वाली पैटर्न में ज्वेलरी चल रही है ना, तो ये मैंने ली, बहुत ही अमेजिंग लगती है। इसके पर्ल्स और ये पूरा जो सीक्वेंस इस पे लगे हुए हैं वाइट कलर के, बहुत ज्यादा अमेजिंग लगते हैं। ये मुझे पड़ी थी 120 रुपए की, बोला तो उन्होंने 150 का था, बट हाँ 120 की मुझे ये पड़ गई। और सेकंड मैंने लिए ये हूप्स, ये आजकल ऐसे चल रहे हैं ना ये छोटे छोटे इयररिंग्स, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे, इसे तो मैं वेस्टर्न वेयर के साथ पहनूंगी। ये मैंने लिए थे कितने के, 80 रुपए के, बोला उन्होंने 100 रुपए के था, बट हाँ मुझे 80 रुपए के मिल गए।
एंड दोस्तों जो मैंने टॉप पहना हुआ है ये भी मैंने सरोजिनी नगर से ही लिया, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा, मतलब ना ये ना मुझे ब्रांडेड लग रहा था इस लेस की वजह से, इसीलिए मैंने ले लिया। एंड आई कांट टेल यू ये कितना ज्यादा कंफर्टेबल है, ये मात्र मुझे 150 रुपए का मिला है। आई एम रियली इन लव विद दिस टॉप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको मेरा कलेक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार ऐसे बड़े अमेजिंग वीडियोस के लिए, और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही अमेजिंग नेक्स्ट वीडियो में। बाय। सारा दिन लाता नहीं तू सजने सजाउंदे सूरजी।